जोहार हजारीबाग, आज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हजारीबाग में, जहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच है, बहुत महत्वपूर्ण मैच है, इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हजारीबाग में कुछ खिलाड़ी हैं जो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में कितना उत्साह है, वो लोग कहाँ देखेंगे, ये सब हम लोग आज जानेंगे। आखिर इस मैच में कौन जीतेगा तो बताएंगे, इतिहास जानेंगे। मेरे साथ यहाँ पुराने क्रिकेटर हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? निशिकांत सिंह। निशिकांत जी, बहुत आप खेलते थे अपने टाइम में। हाँ, खेलते तो थे। अभी इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल चल रहा है। चल नहीं रहा, चलेगा, बंद कर दीजिए। इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच चलेगा, क्या लगता है? पूरा टूर्नामेंट में जिस तरह से भारत डोमिनेट किया है, लगता तो है कि एक तरफा निकलना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड का जो पुराना रिकॉर्ड है आपको नॉकआउट में भारत के खिलाफ खासकर, ये काफी अच्छा रहा है। और इसी बात का जितना डर भारतीय टीम को है, उतना हम लोगों को भी कहीं उलट फेर ना हो जाए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है ना कि टूर्नामेंट में जिस तरह से ये 9 मैच में डोमिनेट किया है, 9 मैच एक तरफा जीतते आई है, तो कहीं लग रहा है कि नॉकआउट में कहीं फंस ना जाए। लेकिन और ये तो ऑडियंस समझ रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि प्रेशर, लेकिन टीम पे क्या कुछ प्रेशर है? टीम पे कोई प्रेशर नहीं, टीम एकदम चिल है, अच्छा खेल रहा है और अच्छा खेलेगा। हाँ, क्योंकि रोहित शर्मा कल इंटरव्यू देख रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो 2019 में जो लोग थे उसमें बहुत कम लोग बचे हैं जो अभी है। सही बात है, उनका ये स्टेटमेंट था कि 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया, तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। बिल्कुल, टीम के बारे में 2011 में जब जीता तो बहुत लोग थे भी। 2011 में जब जीता तो एक दो प्लेयर ही थे, जैसे विराट कोहली थे और अश्विन, ये सब थे। तो इस बार सारा लड़का लोग चाहेगा कि एक वर्ल्ड कप अपने लिए खेले, अपना जीतने के लिए खेले। और देखिए, मोरली देखा जाए तो 9 मैच जीत के आए, सबको हरा चुके हैं, कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं बचा है। तो वैसा ही अगर परफॉर्मेंस रहा तो सब साफ हो जाएगा। देखिए, इस बार जो जैसा सब कोई प्रिडिक्ट कर रहा है, क्रिकेट के जितने भी बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भारत जिस तरह से इस बार डोमिनेट कर रहा है ना, आपको याद होगा फैज भैया कि 2003 में ऑस्ट्रेलिया इसी तरह से डोमिनेट करता था, 9 और फिर 2, 11 मैच इसी तरह जीत गया था। 7 में भी ऑस्ट्रेलिया यही किया था, वही लग रहा है, वही ऐसा लग रहा है। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मेरे को सबसे ज्यादा डर लग रहा है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से अगर वो फाइनल में आएगी तो बहुत जबरदस्त। खैर, आज के मैच का बात करें तो कौन रहेगा आज का, मतलब आपके हिसाब से? नहीं, कौन प्लेयर रहेगा मैच विनर? मैच विनर आपको विराट रहेगा, विराट और शुभम गिल पे नजर रहेगा। मैन ऑफ द मैच उसी को देना चाहते हैं, और आपको क्या लग रहा है उसी को देंगे? मेरा तो मैच, वो तो भैया जो अच्छा खेलेगा। फिर भी आप प्रेडिक्शन क्या लग रहा है? मेरा प्रेडिक्शन है आपको शुभम गिल। बड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया आप, लेकिन विराट कोहली, विराट कोहली अगर चेस करता है तो विराट कोहली। चलिए, निशिकांत जी का विराट कोहली, यहाँ पे एक और प्लेयर है मेरे साथ, किशन गुप्ता। आप कहाँ से आए हैं, मतलब यहाँ पे मैच खेलने? रोज खेलते हैं? जी हाँ, मैं रोज खेलता हूँ। तो रोज खेलते हैं तो क्रिकेट का तो ज्ञान बहुत होगा आप लोगों को। हाँ, बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे, ज्ञान तो है। क्या लगता है इंडिया को क्या करना चाहिए, पहले टॉस जीत के बैटिंग फील्डिंग क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मुंबई में मैच है ना, मुंबई में मेरे ख्याल से चेस करना ज्यादा बेहतर होगा, बैटिंग पिच रहती है वो, चेस करना ठीक है, चेस करना ठीक होगा। अब अगर टॉस जो जीतता है मेरे ख्याल से वो चेस ही करेगी। अच्छा, क्योंकि ओस का भी वहाँ पर बहुत दिक्कत हो सकता है। चेस करने के बाद कितना रन चाहिए इंडिया को, मतलब हम लोग कितना बना लेंगे कि आसानी? जैसा बॉलिंग वो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, जैसे बॉलर जो 5 बॉलर है वो लोग के, जडेजा, कुलदीप, बुमराह, सिराज और ये समी, जैसे मतलब 5 बॉलर परफेक्ट बॉलर है, ये लोग रन देने रहे हैं, कोई भी टीम को 300 रन तक मारने दिए नहीं है इंडिया में, हर मैच में 300 बन रही है, इंडिया के बॉलिंग में नहीं बन रही है। तो ऑब्वियस है 250 रन तक रोक देंगे वो लोग, जैसे बॉलिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं वो लोग 250 रन तक। हाँ, 250 में रोक देंगे न्यूजीलैंड को। अच्छा, तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करेंगे हम तो कितना चाहिए? तो फिर 350 मारने पड़ेंगे, 350 मारना पड़ेगा, 330 तो जाना ही पड़ेगा, 330 का जो प्रेशर रहता है वो अलग रहता है। मुंबई में एवरेज स्कोर आपका 300 है, पार मारेंगे जैसे बैटिंग कर रहे कोहली है, राहुल है। आपके हिसाब से कौन होगा मैन ऑफ द मैच, क्या लगता है? मुंबई मेरे हिसाब से तो बॉलर होना चाहिए, बुमराह या फिर समी। बुमराह या समी, बुमराह का तो लगता है होम ग्राउंड भी है। हाँ, पहला बैटिंग करेंगे चूलो, फिर बॉलर का काम रहेगा रोकना वो लोग को। बुमराह शमी यहाँ बोल रहे हैं बॉलर है लगता है ये, और नहीं, ये बैट्समैन है, बैट्समैन है, अभी बॉलर है, बॉलर है, बॉलर बैट्समैन को चुन रहे हैं और बैट्समैन जो है वो बॉलर को चुन रहे हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ जेल के बगल में, ग्राउंड है, यहाँ देख सकते हैं आप, खेल रहे हैं विकास भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, तो यहाँ पे खेल रहे हैं अभी। नो बॉल भी करेंगे,
कोहली टाइप का शॉट मारते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पे तो मैच का माहौल है, यहाँ पे इंडिया में भी मैच का माहौल है। ये देखिए मिस कर गए हैं यहाँ पे। हाँ आप भी यही खेलते हैं, रोज खेलते हैं? इंग्लिश में बोले? नहीं इंग्लिश में जरूरत नहीं है ना, मेरा हिंदी क्राउड है, इंडिया है हम लोग, भारत। हाँ हम तो यहाँ कभी कभी आते हैं, हम तो कलकत्ता से खेलते हैं। अच्छा अंडर 19 खेले हैं 2011 में सॉल्ट लेक स्टेडियम बी डिवीजन। अच्छा बी डिवीजन खेल चुके हैं। तो क्या लगता है आज का जो मैच है न्यूजीलैंड और इंडिया का, कौन रहेगा इसमें? जीतेगा तो इंडिया, इसको कोई हरा नहीं सकता। हाँ लेकिन मेन प्लेयर कौन रहेगा, मैं अभी मैच इसको चाहता हूँ, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर प्लेयर। हार्दिक पांड्या तो खेल ही नहीं रहा है ना, और कोई खेल इंजर्ड है वो, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं लगता है? हम नहीं देखते, अपना मैच में खाली देख रहे हैं, खेल रहे हैं अपने, खाली खेल रहे हैं, देख नहीं रहे, खुद खेल रहे हैं। अच्छा आपको इंडिया खेलना है अभी भी, मतलब जोश है आपके अंदर? आखिरी बॉल तक रहता है, आखिरी बॉल तक रहता है। तो देखिए इंडिया खेलने जा रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? तो मेरा नंबर 3 जर्सी नंबर। मैच भी देखने जाते हैं आप? कोई मैच देखे हैं वर्ल्ड कप का? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, और फिर और मैच देखने जा रहे हैं कहीं? तो आज मुंबई जाए, मैं नहीं जा पाएंगे, टाइम निकल जाएगा, मुंबई नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे ईडन गार्डन। फाइनल जाइएगा इंडिया पहुंचेगा तो? बिल्कुल अहमदाबाद टिकट कराया हुआ है, मेरा पास जनरेट होता है। अच्छा पास जनरेट होता है, तो देखिए इनके पास पास आ जाता है, लोगो है फेसबुक में, कमल यस जसवाल गूगल में सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, फेसबुक में फॉलो कीजिएगा। अच्छा ऐसे ही पास मिल जाता है, क्या बात है, ऐसे खिलाड़ी यहाँ पे पास भी मिल जाता है, यहाँ प्लेयर खेल रहे हैं सुबह सुबह। अब यहाँ पे गेल के पीछे जो हम लोग हैं, यहाँ पे मैच चल रहा है, यहाँ बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, आज पता नहीं देखिए क्या होगा, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, शानदार मैच चल रहा है। राजेश भैया ये आज जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है वो आप लोग कहाँ देखेंगे? सारे दोस्त लोग मिलकर देखेंगे घर पे? सारे लोग दोस्त मिलकर देखेंगे एक साथ। अच्छा और पूरा चीयर अप करेंगे? पूरा चीयर अप इंडिया के साथ है, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जी, मैच विनर किसको देखते हैं आप आज का? इंडिया नहीं, मैच विनर प्लेयर किसको देखते हैं? प्लेयर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, और पहले टॉस जीतती है अगर इंडिया तो क्या पहले बल्लेबाजी या पहले गेंदबाजी करना चाहिए? बल्लेबाजी करना चाहिए। और कितना स्कोर है जो सेफ होगा? 300+। 300+। सेमीफाइनल का प्रेशर रहता है हमेशा इंडिया पे, प्रेशर रहता है, न्यूजीलैंड से हमेशा आ रहा है, वो प्रेशर आप लोग फील कर रहे हैं क्या? नहीं हम लोग नहीं फील कर रहे हैं। इस बार जिताना है कि नहीं इंडिया को? इंडिया जीतेगा, न्यूजीलैंड को हराना है इस बार पक्का। पिछले बार क्या हो गया था, 25 रन में जो धोनी आउट हुए तो वही टर्निंग पॉइंट था क्या? हाँ धोनी ही टर्निंग पॉइंट था, वो आउट तो मैच तो इधर आ सकता था। आपको बता दो कि 2019 में न्यूजीलैंड इंडिया ने खेला था सेमीफाइनल, इसमें महेंद्र सिंह धोनी को रन आउट कर दिया था गप्टिल ने, और गप्टिल ने जो रन आउट किया था वो इंडिया को 10-11 बॉल में 25 रन चाहिए थे। उस टाइम धोनी खेल रहा था, इंडिया के 7 विकेट थे, लेकिन धोनी जैसे ही आउट हुए तो 8 विकेट गिर गया, उसके बाद दोनों विकेट बहुत जल्दी गिर गए, इंडिया 18 रन से हार गई थी। सेमीफाइनल 2019 का रिपीट इस बार है, इस बार इंडिया को बदला लेने का ही मौका है, और इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि इंडिया इस बार जो है वो जीते। यहां पे तेज बॉलर है, बढ़िया बॉलिंग करते हैं यहां पे, और हाँ बुमराह की जैसा बॉलिंग करते हैं, इनसे भी बात करेंगे हम लोग कि आखिर इंडिया में जो बॉलर है वो इस बार कैसा बॉलिंग होगा, बॉम्बे जो है बॉम्बे मैच होगा मुंबई में। ये देखिए अच्छा बॉलर, अच्छा कैच देखिए, आउट कर दिया, एक विकेट ले लिया है यहाँ पे इस बॉलर ने। आप एकदम देखने में बुमराह जैसा भी लगते हैं, क्या लगता है इंडिया न्यूजीलैंड का मैच बुमराह जो हार हजारीबाग, आज इंडिया एक तरफा जीत रहा है और रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के 11वीं जीत की जो वर्ल्ड कप की है उसकी बराबरी फाइनल जीत कर करेगा जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से आज का मैन ऑफ द मैच कौन होगा? आज के मैन ऑफ द मैच, पहले अगर बैटिंग इंडिया करती है, पहले बैटिंग करती है तो रोहित शर्मा जी। अच्छा और सेकंड बैटिंग करेगी तो? अगर सेकंड बैटिंग करती है तो अपना चेस मास्टर विराट कोहली जी बिल्कुल। बॉलर में कोई नहीं है क्या? नहीं बॉलिंग नहीं बैटिंग पिच है, वहाँ बैटिंग पिच है, छोटी ग्राउंड है, बैटिंग पिच है, बैट्समैन ही कुछ कर पाएगा। 100-125 रन से सेकंड बैटिंग करेगी तो लगभग 4 या 5 विकेट से। देखिए प्रेडिक्शन यहाँ पे है, जो लोग खेल रहे हैं ये लोग काफी विशेषज्ञ हैं, काफी दिनों से खेलते आ रहे हैं और रोज सुबह में यहाँ पे आके खेलते भी हैं, बड़े बड़े लेवल पे भी खेल चुके हैं, कुछ लोग तो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी यहाँ पे हैं, और वो लोग बता रहे थे कि इंडिया जो है वो रिपीट करेगी, 11 मैच लगातार जीत के वर्ल्ड कप जीतने वाली है। सेमीफाइनल आज है, यहाँ पे देखिए बल्ला लेके भी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, सेमीफाइनल आज है और उसको लेकर ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे दूर दूर से प्लेयर आते हैं, हर जगह से प्लेयर आते हैं और यहाँ पे फील्डिंग भी कर रहे हैं, हजारीबाग में डामोडी से यहाँ पे आ गए हैं, तो अलग अलग प्लेयर जो हैं उनका रिएक्शन ले रहे हैं, तो उनका अलग अलग नज़रिया है, कोई बुमराह,
कोई कोहली कोई रोहित शर्मा को बता रहे हैं, आपको क्या लगता है जो इतना मैच चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड, कितना इंटरेस्टेड है लोग? मतलब बहुत एक्साइटेड है हम लोग तो, सुबह से ही मतलब परेशान है कि मैच कब स्टार्ट होगा, दो महीने का बस इंतजार हो रहा है, टाइम काट रहे हैं बस यहाँ पे, टाइम काट रहे हैं दो महीने, जितना से टाइम आ जाए दो बज जाए, दो बज जाए। तो क्या लगता है आज का मैच जो है 2019 में न्यूजीलैंड से हारा था, क्या कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा है किसी के? बस बदला लेना है 4 साल पहले का, और उम्मीद है कि रोहित शर्मा जो है सबका जो बात है वो पूरा करेगा, पूरा उम्मीद है उससे। और मेरे हिसाब से आज तो इंडिया मैच है तो सपोर्ट तो पूरा इंडिया का रहेगा और उम्मीद है कि इंडिया जीतेगा। बिल्कुल, आपके हिसाब से क्या लगता है मैन ऑफ द मैच कौन होगा आज का, या किसको होना चाहिए? हिसाब से तो जिस तरह का पूरा टूर्नामेंट है रोहित शर्मा को होना चाहिए, बिकॉज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड विराट कोहली उसके बाद है फिर मेरे हिसाब से। तो देख सकते हैं यहाँ पे जेल के पीछे यहाँ मैच चल रहा है, लगातार मैच, हर दिन यहाँ पे मैच होता है, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे खेलने आते हैं, और प्रेडिक्शन लोग यही कर रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, कोई बुमराह को बोल रहे हैं, लेकिन एक से एक खिलाड़ी हैं। और आपको बता दूं कि 2019 में जो इंडिया सेमीफाइनल में हार गई थी उसमें धोनी रन आउट हुए थे, इस बार शायद इंडिया बदला लेने के उद्देश्य से भी उतरेगी, बहुत प्लेयर जो ऐसे हैं 2019 में नहीं थे, सब नए प्लेयर हैं, उनके अंदर जो जोश है इसलिए हाई है क्योंकि 9 मैच लगातार जो है वो जीत के आए हैं। यहाँ देखिए विकेट भी गिर चुका है, और जो बोल रहे थे कि रोहित शर्मा मारेगा वो उन्होंने विकेट ले लिया है यहाँ पे, और रीज़न यही है कि अब 9 मैच जीत के आई है, 9 मैच लगातार जीत के आई है, 11 मैच जीत के रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कमी कुछ नहीं है, हम लोग भारत के लिए आज हम लोग सब सपोर्ट करेंगे, और ऑल द बेस्ट इंडियन टीम को, आप जहां से कोई देखने वाले होंगे तो मेरे तरफ से, आप लोग तरफ से, पूरे देश के तरफ से भारत को ऑल द बेस्ट, सेमीफाइनल जीते और उसके बाद फाइनल भी जीते, इस बार ट्रॉफी घर में ही रहे। बिल्कुल, तो देखिए पूरा चांस है कि इस बार इंडिया में मैच चल रहा है तो अहमदाबाद में हम लोग फाइनल जीते, आज का मैच बहुत अहम है, सेमीफाइनल जीत के उसके बाद फिर मतलब पूरा दुनिया में परचम लहराना है और रिकॉर्ड बनाना है कि लगातार एक भी मैच नहीं हार के वर्ल्ड कप जीतना है। आज का मैच 2 बजे से शुरू है, देखिए क्या होता है। अंत में सिर्फ हम एक बात कहना चाहेंगे, हाँ अंत में सिर्फ हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि भारत के पास 3 गेंदबाज है, हाँ। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और चाइना में टॉप बॉलर कुलदीप यादव। 3 कैसे 5 गेंदबाज? नहीं, वो 3 ही काफी है। 3 काफी है, 5 तो पूरा मैच उड़ा देगा। 3 जो है ना वो काफी है, अगर हम आ गए तो विकेट तोड़ देंगे। देखिए खुद जाना चाहते हैं इंडिया में और विकेट तोड़ना चाहते हैं।